ये हमारे पास ब्लैकबेरी Z30 है, ठीक है। इसके अंदर मसला ये है कि इसको रीसेट मारा तो ये यहाँ पे आ गया। तो होता ये है कि जो इसको रीसेट मारो उसकी बैटरी अगर लो हो जाती है तो वो इसके ऊपर आके रुक जाता है, ठीक है। तो उस पर हमें पूरा फुल फ्लैश करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम पूरी फाइल चढ़ाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो ब्लैकबेरी डेस्कटॉप मैनेजर जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये ब्लैकबेरी डेस्कटॉप मैनेजर, ये आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये फाइल ओपन होगी, वरना ये फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो उसको फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये Z30 की फाइल जो है, बाकी और ब्लैकबेरी की फाइल्स को जो है वो नेट पर से आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये कनेक्टिंग टू बूट रूम के ऊपर आएगा, ठीक है। तो हमने कोई बटन प्रेस नहीं करना है इसमें, ठीक है। और बस जस्ट इसके अंदर केबल इंटर कर देनी है। ये जो है फ्लैश होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो हम वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे। तो मैं कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आप इसके अंदर केबल लगाएंगे ये ऑटोमेटिकली जो है वो बूट रूम मोड के ऊपर चले जाएगा और हमें कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये परसेंटेज चल रही है, ठीक है। ये 18% हो चुका है, ठीक है। अब जो ये 100% होगा ये, तो इसमें थोड़ा टाइम लेगा, हम थोड़ा वीडियो को थोड़ा और फॉरवर्ड करेंगे। वो तो 100% होगा, ठीक है। इसके बाद ये एक लाइन और चलेगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है ये रिबूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइल चढ़ गई है, ठीक है। इस पर ऑन हो गया, तो फ्लैश होने में इसमें 3 से 4 मिनट लिए, ठीक है। तो ये स्टार्टअप में थोड़ा टाइम लेगा, तो हम वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे। और इधर आओ, ये ऑन हो गया, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब ये सेटअप आ जाएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे इसको। नेक्स्ट करने के बाद जो कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद ट्राई करेंगे और यहाँ से स्क्रीन को एक बार ओके करेंगे, ठीक है। फिर ये ओके करना है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से हम काटेंगे। अब यहाँ पे हमने जो है वो स्क्रीन नोटिफिकेशन खोलनी है, फिर कंटिन्यू करेंगे उसको बैक करेंगे, तो ये हमारा सेटअप रिजल्ट जो है कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।